एक ही लड़की, एक ही लड़की से सबको अपनी प्रधानी आते ही हर चौराहे पे चाल लोड़नी लगवानी है। मैं नहीं चाहता कि एक तो क्या मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, मां की मम्मी की कसम भाई, पापा की कसम भाई, मम्मी की कसम, भागो। एक तेरा एक मेरा। हेलो, माय नेम इज मिंटू। हेलो, दिस इज मुस्कान सिंह। हे गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। हेलो, मेरा नाम सावन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक मेहरा। हाय, माय नेम इज हर्ष दुबे, और आज मुझे यहाँ पे हिंदी मुहावरों का अर्थ बताना है। यार दो तीन तो बता देते यार, मेरे से खराब घर वाले देखते हैं, बोले क्या पढ़ाया लिखाया तूने बचपन से। सो फर्स्ट इज अपने मुंह में मिट्ठू बनना। ये अपनी तारीफ खुद से करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब होशियार बनना। होशियार बनना तो इसका मतलब होता है कि मतलब अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, मतलब खुद के मुंह से खुद का तारीफ करना। मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो था प्रो एडिटर है तेरा भाई, मतलब खुद की तारीफ खुद के मुंह से ही करना, मुंह मियां मिट्ठू होना। इसका मतलब होता है खुद की शेकी बगाड़ना, मतलब खुद ही खुद की तारीफ करना। इट मीन्स अपनी तारीफ खुद करना। चलिए अब दूसरा अकल के पीछे लट लिए फिरना। नहीं, इसका तो नहीं पता कंफर्म मेरे को, बट ये हो सकता है किस्मत को पोसते रहना, तो और कुछ नहीं हो रहा तो मे बी किस्मत की गलती होगी। दिमाग मतलब बुद्धि ना होना शायद, मतलब हमें अकल तो चाहिए पर हम उसे भगा भी रहे, ऐसा कुछ है इसका मतलब। मैं नहीं चाहता कि एक तो क्या मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, मां की मम्मी की कसम भाई, पापा की कसम भाई, मम्मी की कसम, भागो। मतलब अकल से किसी जिसका कोई वास्ता ही नहीं होता, कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ करेंगे वही जो उन्हें सोच रखा हुआ है, मतलब उन्हें कितना भी सिखा दे उनको आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर किसी ने बताया कुछ अच्छा तो भी नहीं करना, अपन को अपने हिसाब से करना है और हर काम बेकार ही करना है। मतलब किसी को समझाना बहुत डरा धमका के भी, लेकिन वो गधा है तो नहीं समझेगा वो, ठीक है। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, इसका एग्जांपल तो मेरे पास ही, मैं खुद ही हूँ। देखो ऐसा है कि अब निकल ही गए हो रास्ते पे तो फिर क्या डरना। टेक वन, मतलब जब अब कुएं में कूद ही गए हो तो मरने का क्या डर है। टेक टू, कीचड़ में कूद ही गए तो कपड़े तो मैले होंगे। मतलब अब तुमने वो काम कर लिया है तब उस बात के लिए डरने का कोई फायदा नहीं है, अब जो रिजल्ट होगा वो होगा, देखा जाएगा। हमारे यहाँ वो चलता है कि जब मराई है तो मोटा पतला क्या देखना। हाँ दो प्यार किया तो डरना क्या वाला जैसा सीन है ये, मतलब कि आप कोई काम कर ही लिया तो फिर डरना क्या, मतलब कोई काम अगर ले ही लिया है तो फिर इससे क्या डरना। कि जब आपने गलती कर ही दिया तो अब डरना किस बात का, अब तो झेलना ही है। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। एक ही लड़की, एक ही, अरे लकड़ी है, एक ही लड़की, लकड़ी, एक ही लड़की से सब लकड़ी। सारे लोगों को एक ही जगह एक ही बेसिस पे आँकते हैं तो ये बहुत गलत बात होता है, क्योंकि भैया पांचों उंगली सेम नहीं होता। एक ही सीख सबको देना, और या फिर एक ही जगह पे सबको बताना, या एक ही ज्ञान सबको देना, ऐसा मुझे लग रहा है। एक ही बात कहना सबको, शायद यही होगा। मम्मी वही सब करती हैं घर में, वही बर्तन है उनका, वो घर भी संभाल रही हैं, तो मतलब एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, उसका हो सकता है। डिक्टेटर होना, सब पे रूल करना, सबको कमांड करना, एक ही नज़र सबको देखना। एग्जाम्पल ये है कि कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसा टास्क जिसे सभी मैनेज हो सके। एक मैन में दो तलवारें नहीं समा सकती। एक ही टाइप के लोग या एक ही एंगर वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। एक कंपनी में दो मैनेजर नहीं हो सकते, एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक म्यान में दो तलवार मतलब एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, उसी तरह एक इंसान की दो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, दो लोगों से प्यार नहीं कर सकता, एक जगह पे दो एक्सपर्ट नहीं रह सकते। मैं एक टाइम पे मैं यहाँ ऑफिस में रह के डीबी सिटी में नहीं रह सकती ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जैसे एक लड़की के दो पति नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो आप अपनी मतलब कि दो तेज लोग, दो बटवाज लोग एक जगह नहीं रह सकते, ऐसा मतलब।
एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी ग्रुप में कोई एक बिगड़ा हुआ इंसान है तो वो पूरे ग्रुप को खराब कर देता है। ऐसा तो मुझे मेरी मैम कहती थी कि तू जहाँ जिसके पास जो बैठ जाता है उसको बिगाड़ देता है। हम लोग 7 लोगों का ग्रुप था, उसमें वो फ्रेंड था। एक्चुअली मैं उसको ना स्कूल में फ़ोन लाने की आदत थी, तो उसने सबको वो फ़ोन लाने की आदत लगा दी। अगर मतलब एक चीज़ कोई बुरी है ना, उसके आसपास जितने अच्छे लोग हैं सबको गंदा बना देता, उसके जैसा बना देता, संगत का असर। वो कुछ गंदी हरकतें करता वो दूसरों को भी सिखा देगा, तो इसलिए कहा जाता है कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है। मतलब एक बुरा इंसान बाकी उसके साथ वाले इंसान को बर्बाद कर। अगर कोई एक भी आसपास अपने ख़राब हो तो उसका असर अपन को पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट बात यह है कि अपनी कंपनी का असर अपन को पड़ता है। मतलब ऐसा आदमी जो जहाँ भी जाता है गंदी फैलाता है, जहाँ भी जाएगा सबको ख़राब कर देगा, सबको बिगाड़ देगा। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स अच्छे थॉट्स हैं, अगर एक गलत थॉट्स आपके दिमाग में आ जाए तो पूरे थॉट्स को गंदा कर देती है। आदमी के लिए नहीं, ये आपके थॉट्स के लिए है। अरे ताली वाली तो बजाओ यार, मतलब लाइक अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। मतलब जो इंटर्न आते हैं, नए इंटर्न आते हैं, वो ज्ञान देने लगते हैं, उनसे बोल सकते हो तुम अभी क्या है, बच्चे हो तुम अभी। हाँ मतलब कि ऐसे अभी तो यू आर इमेच्योर, ऐसे आपको बुद्धि नहीं आया, ऐसे आप मैच्योर नहीं बने उसको कुछ भी, और ज्ञान दे रहा है या होशियार बन रहा है अपने मन से और कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, आता जाता कुछ है नहीं। तो ये डायलॉग उसे मारा जाता है कि बेटा अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे, थोड़ा साइड हो जाओ। अब क्या होता है, डायरेक्टली बंदा बोलता सर ये एरर आ रही, तो वो बंदा इसलिए इरिटेट हो जाता है, इसलिए बोलता है कि बेटा पहले करो, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं। इसका मतलब है अभी तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी तो तुम बच्चे हो। मतलब अभी तुम बच्चे हो, अभी तो तुमने जाट कुछ नहीं देखा है, अभी तो तुम्हें अकल भी नहीं आई है, और अभी तुम्हें समझ ही कितनी है, तुम्हारे दूध के दांत ही नहीं टूटे हैं। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा। मतलब जब खुद के पास पैसे हो तो दूसरों से क्या ही लेना देना है। अच्छा अपने पास में जब है तो फिर दूसरे के पास क्यों जाना किसी उसके लिए। अपनी गांठ कि आपके पास खुद की स्किल होना चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो आपको किसी दूसरे लोगों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर मेरे पास पैसा होता तो मतलब फिर क्या दूसरे के क्या ही परवाह, मतलब जो भी करना है पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब। हाँ मतलब है कि जब इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो उनको बाकी चीज़ें बहुत फीकी लगने लगती है, जो भी अपने पास ही पैसा है तो फिर दूसरे से क्या आशा करना। अगर आपके पास पैसा है तो दूसरों को आसरे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खैर लेजेंडरी चीज है, पैसा है तो सब कुछ है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा टके से भाजी टके से खाजा। एक ऐसी जगह बात हो रही है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं, मतलब गधे भी सेम है घोड़े भी सेम है, गधे भी चना खा रहे हैं घोड़े भी चना खा रहे हैं, खराब सब बर्बाद। अंधों की नगरी है जिसके राजा का नाम चौपट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो फिर आपकी बैंड बज जानी है। मतलब बेवकूफ़ी वाले भी काम हो रहे हैं, कोई कुछ भी ऐसा, मतलब जो चल रहा है वैसा हर कुछ ही चल रहा है ऐसा। ये तो गाना बन जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खा जाओ। जहाँ पे एक टके पे भाजी मिलती है दूसरे टके पे खाजा मिलता है। इसका अर्थ है गूगल करके बताती हूँ। क्या ही उन्नति होगा, क्या ही कुछ हो पाएगा, अगर कमाने वाला भी पागल और चलाने वाला भी पागल। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, बराबर 50-50 बराबर है, एवरीथिंग ओके ओके हैप्पी वेरी हैप्पी, नो चीटिंग नो चीटिंग भाई। अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं यू आर ग्रेट।